साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। रुबिला सिंह हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही चमत्कारिक, इतना खास रेमेडी आपको दे रहा हूं कि यदि इसको आप कर लेते हैं, यदि आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन पैसा घर में टिक नहीं रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं बहुत ज्यादा सारा पैसा आपकी जिंदगी में आए, तो ये प्रयोग आप करके देखिए। मैं आपको तीन रेमेडी दे रहा हूं। एक रेमेडी इतनी पावरफुल है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में रिजल्ट दिखा देगी। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है आज की। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। दोस्तों यदि किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो उससे मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, तो जरूर इस प्रयोग को आप लोग करें। काफी मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ कि सर कर्ज हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, या फिर अपने व्यापार वगैरह में ग्रोथ चाहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और उसमें चाहते हैं प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीज हो, या आपके पास में रोजगार ही नहीं है, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। धन प्राप्ति के नए नए आयाम, नए नए स्रोत आपको मिलेंगे और गारंटेड मिलेंगे। बस सही तरीके से, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, इस रेमेडी को आप करके देखिए। और इसके साथ में आप यदि कोई विशेष आपकी मनोकामना है, कई सालों से कोई आपका काम रुका हुआ है, आप चाहते हैं कि वो काम आपका हो जाए, तो 7 दिनों में वो आपका काम होगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी है या फिर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत टाइम से बीमार पड़ा है, तो उसके लिए भी इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए, या फिर किसी बहुत बड़ी परेशानी से मुक्ति के लिए, और या फिर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। तो पहली रेमेडी जो है दोस्तों, वो आपको करनी है, बबूल वृक्ष आपने देखा होगा, हर जगह मिल जाता है, रोड में आपने देखा होगा, कहीं भी चलते फिरते बबूल का वृक्ष हर जगह मिल जाता है, ठीक है। उसमें जो फलियां होती हैं बबूल वृक्ष की, जो फली होती है वो आपको लेकर के आनी है। आपको 7 दिन तक ये प्रयोग करना है, तो 28 की क्वांटिटी में, यानी कि 7 का 7 आपको 4 यूज करनी है, तो मतलब कि 4 7 28 है ना, तो 28 आपको 28 फली आप लेकर के घर आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आपके जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं, उनकी आज्ञा जरूर लिया करें, ठीक है। मेरी नहीं, किसी की भी, कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं धन प्राप्ति के, कर्ज मुक्ति के, जब तक आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी आज्ञा नहीं देती है, तब तक कोई भी रेमेडी सफल नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी की आज्ञा लें, अपने पितरों का ध्यान करके उनकी आज्ञा लें, महादेव का ध्यान करके उनकी आज्ञा लें, गणेश भगवान, नवग्रह, इनसे सफलता का आशीर्वाद लें, आज्ञा लें, और आपके जो घर है, घर के वास्तुपीठ यानी कि वास्तु पुरुष जो होते हैं, उनकी आज्ञा जरूर लें, फिर बाद में कोई भी उपाय करें, तभी वो सक्सेस होती है। तो इन सबसे आज्ञा ले लें, ठीक है। और जो बबूल की जो फलियां होती हैं, ये घर ले आए, इनको स्वच्छ जल से साफ कर लें, ठीक है। और मदार का जो पत्ता होता है, जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है, तो इसका एक पत्ता ले आए। पत्ता आपको जब जीवित वनस्पति से कुछ भी लेते हैं तो उनकी आज्ञा जरूर लें, ठीक है। किसी भी दिन से इस प्रयोग आप शुरू कर सकते हैं। एक पत्ता लाएं और पत्ते में 4 फलियां जो बबूल की होती हैं, किंकर का वृक्ष जिसे कहा जाता है, जिसको समझ में ना आ रहा हो वो गूगल सर्च कर लें, किंकर क्या होता है, बबूल क्या होता है, ठीक है। तो पत्ता जो होगा आपका, पत्ते में आपको 4 फलियां आपको रख देनी है और उसको फोल्ड करके इसमें रेड कलर का धागा बांध दें और अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाए। दूसरे दिन सुबह नहा धो करके इसको आप उठा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर कुछ कहीं ऐसी जगह डाल दें जहां पर किसी का पैर ना पड़े, या फिर जिस वृक्ष के पास में लाए थे उसी वृक्ष की जड़ में इसको दबा दें। कंटिन्यू 7 दिन तक इस प्रयोग को आप करिए। एक पत्ता लाएं मदार का, उनसे आज्ञा लेकर के, और 4 फलियां उसमें रख करके अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी होगी, ग्रह दोष होगा, या जिस कारण से मनी ब्लॉक हो गया था, वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाएगी। ये हो गया पहला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास स्विच वर्ड्स, एंजल्स नंबर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, शत्रु बाधा के उपाय, वशीकरण के उपाय, ऐसे सभी वीडियो बनाता रहता हूँ। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जो आपको इंपॉर्टेंट हो, और वो जानकारी आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए,
ताकि कोई भी जानकारी आपसे यहां से मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन के जरिए वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा प्रयोग है दोस्तों, रविवार के दिन में करना है आपको। गाय का कच्चा दूध ले लें, ठीक है, और अपने सिरहाने रविवार की रात्रि में अपने सिरहाने रख करके सो जाएं। दूसरे दिन इसको क्या करें, सुबह उठ करके, यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। बेरोजगार है या किसी भी बाधा से ग्रसित है तो उसके लिए, या भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र की किसी क्रिया से ग्रसित है तो उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। उसके सिरहाने एक गिलास कच्चा दूध रख दें। सुबह उठ करके बिना नहाए धोए सूर्य उदय से पहले इस दूध को ले जाकर के किंकर का जो वृक्ष है, बबूल का वृक्ष है, उसकी जड़ में इसको अर्पित कर दें। लगातार 7 रविवार इस प्रयोग को कर लीजिए। कैसी भी परेशानी है, तंत्र मंत्र बाधा है या कोई भी परेशानी है, वो परेशानी आपकी 100% हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। कोशिश करें कि निर्जन स्थान में देखें बबूल का वृक्ष, जो अकेला, उसके आसपास कोई पेड़ ना हो, ऐसा कोई वृक्ष देख करके उसमें इस प्रयोग को आप करके देखिए। इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब तीसरा पाव जो बता रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक बार बस इस प्रयोग को आप कर लेंगे, उसके बाद में देखिए, बस चमत्कार देखना है आपको। उसके बाद में गारंटी मैं लेता हूं, कोई विशेष मनोकामना के लिए, ठीक है, कोई शत्रु बाधा, कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बहुत सारा धन चाहते हैं, गरीबी दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब आप कर सकते हैं। यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, अब्रॉड जाना है, विदेश में जाकर के जॉब करना है, या वीजा, काफी लोगों के क्वेश्चन आए कि वीजा नहीं आ रहा है, तो वीजा नहीं आ रहा है उसके लिए कर सकते हैं। व्यापार नहीं चल रहा है उसके लिए कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपकी परेशानी है या जो भी आपकी मनोकामना है, धन प्राप्ति की, नौकरी प्राप्ति की, व्यापार वृद्धि की, सभी चीज के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आपको रविवार के दिन में क्या करना है, सफेद आंकड़े का जो पुष्प होता है, 108 पुष्प आपको सफेद आंकड़े के लिए आने हैं घर। इसको आप लाल धागे में या काले धागे में इसकी एक माला पे रोलें, ठीक है, और कोई ऐसा वृक्ष देखें बबूल का जो बिल्कुल सुनसान जगह पर हो, कहीं पर कोई पेड़ पे आसपास ना हो, उस वृक्ष के पास में जाएं। अगर इस क्रिया को 12 बजे करते हैं, दिन में 12 बजे, तो और भी बेस्ट है। 12 बजे का समय जो होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, दोपहर का समय जो होता है। उस वृक्ष में जाने के बाद में सबसे पहले वृक्ष को प्रणाम करें, थोड़ा सा जल चढ़ा दें, और जो भी उस वृक्ष में शक्तियां विद्यमान है सभी को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें और विनती करें कि मेरा ये काम, और एक समय दे दें कि 11 डेज, 21 डेज, या फिर बड़ी मनोकामना है तो 41 डेज। धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं 21 डेज बोल दीजिए कि 21 डेज में यदि मेरी गरीबी दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर होती है, मुझे धन प्राप्ति के साधन प्राप्त होते हैं, पहले प्रणाम करके माला चढ़ा दें, जो माला आप लेके गए थे वो माला अर्पित कर दें, और उसके बाद में ये विनती कर लें कि इतने दिन में मेरी ये मनोकामना पूर्ण होती है, जितने धन की प्राप्ति मैं चाहता हूं उतने धन की प्राप्ति होने लगती है, तो मैं दोबारा से आकर के आपको यही माला फिर से चढ़ाऊंगा, ऐसा बोल करके प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों, जितना टाइम आपने दिया है उस पीरियड के अंदर ही आपको धन प्राप्ति के, मतलब कि मनी मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ में, मनी की न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों कोई भी क्रिया बिना कर्म के नहीं होती है, कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन उपाय करने से क्या होता है, ये दैविक शक्तियां जो होती हैं ये हमारा सपोर्ट करने लगती हैं। कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं जो हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार होती हैं, हमें बस उनको बताना होता है कि हमें इन चीजों की नीड है, उनसे संबंधित उनकी प्रिय वस्तु को उनको यदि हम चढ़ा देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो ये शक्तियां हमेशा हमारी मदद करती हैं। जब एक मनोकामना पूर्ण हो जाए, एक परेशानी दूर हो जाए, तो दोबारा से इस प्रयोग को आप दूसरी मनोकामना परेशानी के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक और टेस्टेड प्रयोग है, प्रमाणित है कि कभी फेल नहीं होता है। बस पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को आप करके देखिए। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले अपने कुल देवता, कुल देवी, पितरों को याद करके, महादेव, गणेश भगवान, नौग्रहों को याद करके, वास्तुपीठ भगवान से आज्ञा लेके फिर इस प्रयोग को आप करें, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। पूरे विश्वास के साथ में फेथ रख के इस प्रयोग को करिए। जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी परेशानी से मुक्ति के लिए आप इस प्रयोग को करेंगे, 100% आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये रेमेडी दी है, उनको सक्सेस मिली है। आप भी विश्वास के साथ में करेंगे, आपको भी उसमें सक्सेस मिलेगी। आजमा करके देखिए दोस्तों, करके देखिए। जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको कोई रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। जब इसको आजमाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगी कि हाँ, बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का, घरेलू प्रॉब्लम है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, पति पत्नी में प्रॉब्लम है, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा,
आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट ले लें, ठीक है, उसके बाद मुझे कॉल करें। आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, मैं खुद ही आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा, अपनी पूरी डिटेल्स, बर्थ चार्ट की डिटेल्स, अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।